लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार ने आज निरुल प्रभाग 91 और 92 के लंबित विकास कार्यों को लेकर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और समाधान की मांग की। इस अवसर पर अल्पसंख्यक सेल के पूर्व जिलाध्यक्ष इरफान पटेल भी मौजूद थे। उन्होंने आयुक्त के हवाले से कहा कि जल्द ही प्रभाग में अधूरे विकास कार्यों का शुभारंभ होगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के नेरुल प्रभाग 91 और 92 में अधूरे पड़े विकास कार्यों एवं नागरिक समस्याओं का समाधान होने वाला है। आज इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की, जिसमें आयुक्त ने नेरुल सेक्टर 23, 25 और 27 की नागरिक समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष इरफान पटेल समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। अनवर हवलदार ने यहां गटर, फुटपाथ और एरिया में नाम फलक लगाने की मांग दोहराते हुए कहा कि कई महीने पहले इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वार्ड के अधिकारियों ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। इसे लेकर राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात को भी शिकायत की गई, जिसके बाद आज मनपा आयुक्त ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभाग के विकास और समस्याओं को तत्काल हल करने का भरोसा दिलाया। अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अनवर हवलदार ने स्थानीय नगर सेवकों की नियत पर भी सवाल उठाया, जो नागरिक समस्याओं के समाधान की बजाय सिर्फ श्रेय की राजनीति करने में जुटे हैं। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले 10 महीने से आयुक्त ने ऑर्डर करने के बाद, आदेश देने के बाद भी नीचे के जो अधिकारी है वो सुनने के लिए तैयार, करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम बार बार फॉलो करते थे, कई बार हमने आए, 10 बार हमने आए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद, आदेश देने के बावजूद आयुक्त ने, नीचे के अधिकारी जो काम नहीं कर रहे थे, फिर हमारी मजबूरी ये रही कि फिर हमने सोचा कि अब आंदोलन करना पड़ेगा, और वो हिसाब से आज हमने ये आज का आंदोलन लिया। इससे पहले हमने कुछ जो काम हुए उसके लिए आयुक्त को थैंक्स भी दिया, और जो आयुक्त ने हमारी विनंती के ऊपर काम किया उसके ऊपर स्थानिक नगर सेवक जो है उसका क्रेडिट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेक्टर 21 में, नेरुल सेक्टर 21 में 45 लाख के फुटपाथ बनने की मंजूरी ली, आज भी वो काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर ये काम मैंने किया ऐसा करके वहाँ पर उद्घाटन करने का काम स्थानिक नगर सेवक ने किया। आने वाले दिनों के अंदर भी वहाँ पर और एक 22 लाख का रेलिंग का काम हुआ है, वो भी आपको स्थानिक नगर सेवक क्रेडिट लेते हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम का वो क्रेडिट ले रहे, और काम वैसा नहीं, सिर्फ 5 साल के अंदर उनकी तरफ से सेक्टर 21 के अंदर और पूरे वार्ड के अंदर सिर्फ 2 फुटपाथ बनाए गए। तो ये सारी हमारी मांगों को लेकर आज हम यहाँ आयुक्त को मिले। आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे ये जो मसले उसके ऊपर पूरा पूरा काम करेंगे, और जैसा उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर मैं आपको रिजल्ट दूंगा, तो मेरी उम्मीद है कि देंगे। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ठीक है, अगर उन्होंने इस तरह से नहीं किया और अधिकारी फिर से उस तरह गुमराही करने लग गए तो आंदोलन का रास्ता हमारे पास में खुला है। आयुक्त साहब खाली अधिकाऱ्यांना सांगत होते, रिमार्क करून देत होते की ह्या कामावर त्वरित कारवाई व्हावी म्हणून, पण अधिकारी वर्ग जो आहे तो त्याच्यावर कामच करत नव्हता। आता त्यांचं त्याच्यामध्ये काय हेतू होता काय समजलं नाही। त्या काम न करण्यामुळे लोकांना त्रास होत होता, तिथल्या जनसामान्य लोकांना, त्याच्याविषयी आम्ही म्हणून एक आयुक्तांकडे मागच्या आठवड्यात सांगितलेलं की आम्ही याच्यावर तुमच्यावर मोर्चा काढतो, पण हा विषय आयुक्तांच्या विरोधात मोर्चा नसून हा अधिकाऱ्यांच्या विरोधातला मोर्चा होता। मग ह्या विषयावर आम्ही आता महाविकास आघाडीमध्ये सत्तेत असल्यामुळे आणि त्यामुळे आम्ही मंत्री महोदय बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे गेलेलो आमच्या, तर त्यांनी आयुक्त साहेबांना सांगून याच्यात त्वरित बैठक घेऊन दुसऱ्या दिवशीच त्याच्यावर मार्ग काढून ह्या सगळ्या गोष्टी सुटल्या पाहिजेत आणि नागरिकांना त्याच्यातून दिलासा मिळाला पाहिजे, हे आश्वासन यांना अधिकाऱ्यांना, या आयुक्त साहेबांना त्यांनी सांगितलं फोन करून। आयुक्त साहेबांनी आश्वासन दिलं की सगळी कामं तुम्हाला 8 दिवसामध्ये फुलफिल होऊन कम्प्लीट होतील म्हणून। इस अवसर पर काँग्रेस नेता इरफान पटेल ने बेलापूर शहबाज गाँव के कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया और वहां जरूरी इंतजाम और विकास करने की मांग की। उन्होंने अनवर हवलदार की पहल की भी सराहना की, जिनके माध्यम से आज आयुक्त ने मुद्दों को लेकर बैठक की। सीबीडी के 3 नगर सेवक, बेलापुर के 3, शाहबाद, अगरोली, दिवाड़ा, ऐसे 6 नगर सेवक होने के बाद एक ही कब्रिस्तान है, हमें काफ़ी है, बट उसके अंदर आज 15 साल में 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ, किसी तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ।
आज उसी माध्यम में वही हम लोग पत्र व्यवहार करके आयुक्त से मिले। पत्र आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि सारी कामें वहाँ पे जल्द से जल्द चालू होगी। जैसे कि हम आज तक हमारे कम्युनिटी के माध्यम से वहाँ पे कलर का काम हो या घास निकाले काम हो, आज दफन भूमि जो बेवारिस लाशें आती है उनका दफन करने का काम भी हम लोग हमारे ट्रस्ट के माध्यम से करते आए हैं। बाकी आप यहाँ हमारे जो भी मांगे हैं वो आयुक्त साहब सुनेंगे और हमारे इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द पूरी होंगे, ये हम उनसे उम्मीद चाहते हैं। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक एवं समाजसेवी भी मानते हैं कि कांग्रेस नेता अनवर हवलदार की पहल नेरुल सेक्टर 2327 के रहवासियों को राहत देने वाली है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब प्रभाग 91 एवं 92 में अधूरा विकास जल्द पूरा होगा। आप भी सुन लीजिए। अनवर साहब ने आज तक जो काम किया हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन काम है। ऐसा हमने काम इतने इंस्टेंट इतने जल्द में कभी हमने आज तक नहीं देखा था। वो खुद पर्सनली आके देख के समस्या का हल एक दो दिन में तीन दिन में ऐसे जल्दी में जल्दी ही कर लेते हैं। जो भी उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हुए हैं उसका वो पीछा भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयुक्त साहब आजकल ये जो है इन्होंने भी पर्सनल अटेंशन दे दिया हुआ है, कई कामों में दिया हुआ है और वो काम हुए हैं। आज भी उनकी बोली यही थी कि मैं सिर्फ ये देख के नहीं करूँगा, मैं ये मेरी जिम्मेदारी कब ख़त्म होती है, जब ये काम पूरा होता है तो वो काम में और ज़रूर हर चीज़ में वो दिलचस्पी लेते हैं कि हम सेक्टर 21 के जो है हमको पूरा भरोसा है हमारे अनवर साहब के ऊपर। उन्होंने जो भी छोटा मोटा जो भी हो, चाहे ट्री ट्रिमिंग होवे, चाहे फुटपाथ होवे, चाहे और भी कोई सोशल वर्क का होवे, वो पूरे दिल और जान से वो काम कर रहे हैं और उसके लिए हमें उसके भरोसा है। और आज तो हम ये माननीय आयुक्त साहब के यहाँ जब आए हैं तो उसमें लग रहा है कि सेक्टर 21 डेफिनेटली जरूर ये हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।